जय हिंद किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए अलवर राजस्थान की बनी हुई थ्रेसर मशीन के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये मशीन आपको कहाँ पे मिलेगी, कौन सा मॉडल है, कितने में मिलेगी, इसकी कंडीशन कैसी है, मशीन को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, सभी बातों की जानकारी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। किसान भाइयों, इसी बात पे आज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो और वीडियो को जम के शेयर कर दो, जिससे कि जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टायरों की। तो जो मशीन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इसके टायर सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो किसान भाइयों, इस मशीन के जो टायर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े टायरों में आपको ये मशीन मिलेगी। 8, 25, 20 के टायरों में ये मशीन आपको देखने को मिलेगी किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रिम की कंडीशन आप यहाँ पे देख लीजिए किसान भाइयों। सिंगल चेसिस में आपको ये मशीन मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सिंगल है, फंटे के नीचे हल्का सा थोड़ा कट है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं किसान भाइयों। लोहे के फंटे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किसान भाइयों। मशीन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंडीशन की है किसान भाइयों। यहाँ पे आपको साइड वाले फैन में आपको ये मशीन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं किसान भाइयों। जो डमरू वाले, महादेव जी का जो डमरू है, इस तरीके के स्टाइल के ये फ़ैन होते हैं, तो इसलिए इसको डमरू वाले फ़ैन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, दोनों तरफ दो फैन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। डबल फैन में आपको ये मशीन मिलेगी किसान भाइयों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भूसा निकालने वाले फ़ैन है, डबल फैन में आपको ये मिलेगी। एक फ़ैन की जो साइज़ बताऊँ आपको, तो 9 इंची के फ़ैन में आपको ये मशीन देखने को मिलेगी किसान भाइयों। मशीन के ऊपर आगे बातचीत करें, आगे जानकारी आप लोगों को दूँ, उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ किसान भाइयों। अगर आपके पास भी कोई थ्रेसर मशीन है जिसे आप बेचना चाहते हो, बिक नहीं रही है, आप परेशान हो चुके हो, तो यार घबराओ मत, तो फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल है ये किस काम आएगा, ये आप लोगों के लिए तो है, आप लोगों के ही काम आएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से हमारे नंबर लो और उन नंबरों पर व्हाट्सअप अपनी थ्रेसर मशीन का वीडियो या फोटो जो भी हो हमारे पास व्हाट्सअप करो और हमसे संपर्क करो, कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हो। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, तो नोट कर लो आप, 9001183 और ये 99 नंबर हमारे हैं। इन नंबरों पे आप अपनी मशीन की फ़ोटो वीडियो व्हाट्सअप कर दो, या फिर आप हमारे पास कॉल करके हमें जानकारी प्रदान करें, या फिर आप हमें अपने पास बुला के इस मशीन का वीडियो भी बनवा सकते हो। तो किसान भाइयों, इस मशीन की जो ड्रम की साइज़ है वो बता दो आपको, तो 32 इंची की ड्रम में आपको ये मशीन मिलेगी किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, 32 इंची के ड्रम में मिलेगी। आप जानते हो 32 इंची का ड्रम काफ़ी बढ़िया ड्रम होता है, ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। इतने ड्रम की साइज़ अगर मशीन की होती है तो ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से चलता है, लोड भी लेके नहीं चलता है, लोड फ्री होकर ट्रैक्टर आराम से चलता है। किसान भाइयों, इसके ड्रम के बारे में बात कर लिए, ड्रम के अंदर के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रम के अंदर कितने गंडासे मिलेंगे आपको, तो 4 गंडासे इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे किसान भाइयों। हाँ जी किसान भाइयों, मशीन के अंदर 4 गंडासे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इस मशीन के चद्दर के बारे में। तो इस मशीन का जो चद्दर है ना, हैवी चद्दर में आपको ये मशीन मिलेगी साथियों। तो आपको यहाँ पे चद्दर के बारे में मैंने जानकारी प्रदान कर दी है, साथ ही आपको बता दूँ इसके गेयर बॉक्स के बारे में। तो साथियों, जो गेयर बॉक्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 स्टार का गेयर बॉक्स इसमें लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों। और 5 जॉइंटों में आपको ये मशीन देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, मशीन का भी बढ़िया और ज़बरदस्त कंडीशन की है आपको बता दूं साथियों। साथियों, यहाँ पे इसके व्हील की साइज़ के बारे में बात कर ले, तो 45 इंच की व्हील में आपको ये मशीन देखने को मिलेगी। तो व्हील साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। पूरी मशीन को हमने इस साइड से देख लिया है, अब हम इसको दूसरी तरफ से देख लेते हैं साथियों। तो चलते हैं दूसरी तरफ, चलो। तो फिर जब हम दूसरी तरफ से मशीन को देखते हैं साथियों, तो इस तरीके से हमको ये मशीन नज़र आती है, क्योंकि किसान भाई ने जो हमारे पास फ़ोटो भेजी है वो सही तरीके से नहीं डाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर इसमें लगा हुआ है, तो आपको ऊपर मिल जाएगी। एलिवेटर मशीन में लगा हुआ है, तो एलिवेटर का कार्य तो आप लोग सब जानते हो कि ट्रॉली में अनाज खाली करने का इसका कार्य होता है, तो आप यहाँ पे इसका एलिवेटर भी देख सकते हो किसान भाइयों। टायर की स्थिति आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और ये साइड वाला फ़ैन आप यहाँ पे दूसरी तरफ भी इसका देख सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से साइड वाले फ़ैन में आपको ये मशीन मिल जाएगी किसान भाइयों। टूल बॉक्स आपको इसके साथ में मिल जाएगा। मशीन काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त है यार। इसी बात पर एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो किसान भाइयों। किसान भाइयों, यहाँ पे सामने से अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये अच्छी तरीके से फ़ोटो और वीडियो किसान भाई ने हमारे पास नहीं भेजे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। बाकी सब कुछ काफ़ी बढ़िया मशीन ये है किसान भाइयों।
किसान भाइयों यहाँ पे हमने देख लिया, अब हम पीछे से ज़रूर देख लेते हैं इस मशीन को। तो किसान भाइयों इस तरीके से आपको इसमें गाला मिल जाएगा, जो हाफ टेपर में आपको यहाँ गाला मिलेगा और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से इसके चद्दर लगा हुआ मिल जाएगा। किसान भाइयों यहाँ पे आप इसके जॉइंट देख सकते हैं किसान भाई। तो भाई मशीन काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी मशीन आपको ये देखने को मिलेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों मशीन के हेड के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, इस मशीन का हेड कितनी साइज़ में आपको मिलेगा और कितने इंच का ये हेड आपको मिल जाएगा। तो इस मशीन में जो हेड आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा 12-14 के हेड में आपको ये मशीन देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो 12-14 के हेड में आपको ये मशीन मिल जाएगी। मशीन की साइज़ पूरी है, फुल साइज़ की मशीन आपको ये देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इसी बात पर यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। अब बात कर लेते हैं इस मशीन की कीमत के बारे में किसान भाइयों की, इस मशीन की कीमत किसान भाई अभी वर्तमान में क्या मांग रहे हैं। तो किसान भाई जो वर्तमान में इस मशीन की कीमत मांग रहे हैं 2,20,000 रुपये, वो वर्तमान में इस मशीन की कीमत मांग रहे हैं किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, 2,20,000 रुपये में वो इसको बेचना चाहते हैं। हो सकते हैं थोड़ी बहुत वो कमती बत्ती और हो जाएं। बात कर लेते हैं इस मशीन के मॉडल के बारे में। तो ये जो मशीन है इसका मॉडल बता दो आपको, 2020 मॉडल मशीन है किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, 2020 मॉडल ये मशीन है, आप इसकी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इस थ्रेसर मशीन के बारे में कि ये थ्रेसर मशीन आपको कहाँ पर मिलेगी। ये जो थ्रेसर मशीन आपको नज़र आ रही है किसान भाइयों, ये एमपी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब कोई किसान भाई अगर एमपी का है और वो एमपी के अंदर ही मशीन खरीदना चाहता है तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो इस मशीन को खरीद सकता है। एमपी मुरैना में ये मशीन आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाई के नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप नंबर लेके उनसे बातचीत कर लेना और मशीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मशीन को देखो आप जाके, देखने के बाद में इस मशीन की कीमत को तय करो और उसके बाद में ही किसान भाई को पेमेंट करो। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो देख के ही पेमेंट कर देते हो, तो इस तरह की गलती ना करें। पहले जाएं मशीन को देखें, देखने के बाद में ही पेमेंट किसान भाई को। तो किसान भाइयों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।